Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha, Tasmai Sri Gurave Namaha. एक बात का ध्यान रखना है हम सबको, समस्या को लेकर के ये विचार करना है कि समस्या किसको है। तो आपको पता चलेगा समस्या है पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, सास को, बहू को। और हम पैदाइशी तो कोई सास बहू नहीं है, तो यह सास बहू ये बनती है, होती नहीं। हम क्या हैं? हम मनुष्य हैं। मनुष्य के लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या किसके लिए है? जब यह मनुष्य स्त्री बनता है, पुरुष बनता है, हिंदू बनता है, मुसलमान बनता है, अमीर बनता है, गरीब बनता है, तब समस्या शुरू हो जाती है। तो जब होना है तो उसमें समस्या नहीं है, और जब हम बनते हैं तो उसमें समस्या के सिवा कुछ भी नहीं है। और यही बात हमको भगवद गीता के प्रथम अध्याय में बताई गई। अर्जुन के सामने समस्या युद्ध की नहीं थी। अर्जुन के सामने युद्ध करना तो उसका प्रोफेशन था, वो समस्या थोड़ी थी। जैसे कोई डॉक्टर हो, सर्जन हो, और इसको किसी का पेट फाड़ करके कुछ ऑपरेशन करना हो, तो डॉक्टर के लिए ऑपरेशन करना समस्या थोड़ी है, वो तो उसको चाहिए ना। इसीलिए आप किसी सर्जन के पास चले जाओ, उसको कहो जी मेरे कान में दर्द है, तो कहेगा देखो आपके पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। दर्द कान में है लेकिन पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्यों? वो तो ऑपरेशन करने के लिए तरस रहा है। ऑपरेशन नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? माने ऑपरेशन करना जैसे सर्जन के लिए कोई समस्या नहीं होती, उसी प्रकार से युद्ध करना अर्जुन के लिए समस्या नहीं थी। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि युद्ध के मैदान पर हम कौन होते हैं? केवल योद्धा। लेकिन अपने उस पोजीशन को अर्जुन भूल गया, और वो पोजीशन को भूलने के पश्चात उसने शुरू कर दिया कि मैं किसी का पोता हूँ, मैं किसी का शिष्य हूँ। अच्छा, जब उसने ये सोचा कि मैं किसी का पोता या शिष्य हूँ, तो उसके पश्चात उसने जो विचार किया है वो विचार ठीक ही है। अपने गुरु को मारना अच्छा थोड़ी है, अपने दादा को मार देना अच्छा थोड़ी है। तो उसने जो विचार किया है विचार ठीक किया है, लेकिन गलत स्थान पर विचार ठीक किया है। यदि आपका रेफरेंस ठीक नहीं हो तो आपकी इंक्वायरी गलत होती है। देखो जैसे बच्चे को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को मारना गलत है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बच्चा ये ऐसा हो कि जैसे कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसको एक चाटा लगा तो मान लेता है, तो उसको चाटा मारना ही चाहिए। लेकिन जो अगला होता है बिना समझे, वो कहे देखो जी इसने अपने बच्चे को बड़ा पीटा है। देखो इसीलिए अर्जुन की समस्या युद्ध की नहीं थी, उसकी समस्या थी अपने पहचान की। वो अपने को पहचान नहीं पाया कि युद्ध के मैदान में वह योद्धा है, ना कि किसी का पोता, ना तो किसी का शिष्य है। यही हम सब की समस्या है। देखो स्त्री के कितने रूप होते हैं। एक तो होती है वो पिता की कन्या पुत्री, दूसरी होती है वह पत्नी पति की, तीसरी वो होती है
माँ पुत्र की। चौथी वो होती है सास अपने जवाई की, और पांचवी वो होती है सास अपने बहू की। देखो पांच हो गए। अब स्त्री माँ के रूप में सर्वश्रेष्ठ है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। मातृदेवो भव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही माँ जब अपने जवाई की सास बन जाती है तो माँ से भी बढ़कर अच्छी होती है। जितने जवाई है उनको मालूम होगा है। और वही माँ जब अपने बहू की सास बनती है तो उसकी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और ये आप सबको पता होगा लेडीज लोगों को, सांस किस रोग का नाम है। अब देखो स्त्री तो वही रही, स्त्री को लेकर के समस्या नहीं है। समस्या बन जाती है जब वो माँ बनती है, जब वो सास बनती है, जब वो बहू बनती है, तब जाकर के समस्या प्रारंभ हो गई। तो करें क्या, अब ये महत्व की बात है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन की समस्या का प्रारंभ जगत से नहीं होता, जीवन की समस्या का प्रारंभ होता है अपने बेवकूफी से। और बेवकूफी क्या है कि हम अपने को भूल चुके हैं और उसमें ऐसे फंस गए हैं कि उसमें से निकलने को तैयार ही नहीं। तो कैसे फंसे हैं, हमने अपने आंखों के सामने ब्लिंकर्स लगा लिए हैं। देखो आप लोगों ने माइक्रोस्कोप में देखा होगा, माइक्रोस्कोप में इतना सा ही दिखता है, उसके परे नहीं दिखता। इसी प्रकार से हमारी दृष्टि इतनी छोटी सी हो गई है। कैसी छोटी हो गई, एक छोटी सी बात हो गई, उसी बात को लेकर के ऐसे फंस जाते हैं मानो यही जीवन का अंत है। अपने जीवन की कोई भी एक समस्या को ले लो आप, जो भूतकाल में हो चुकी है, उस समस्या को लेकर के अब याद करो कि जब ये समस्या हुई थी उस समय आपको क्या लगा था। ओ गॉड, अब तो हम मर गए। कितनी बार मरे हम, मर के हम लोग मरने में एक्सपर्ट हो गए लेकिन मरते नहीं। देखो तो उस समय समस्या को लेकर के ऐसे लगता था कि मानो जीवन खत्म हो गया, और वो समस्या समय के अनुसार धीरे धीरे बदलती गई, वो समस्या खत्म हो गई। अब उदाहरण दो आपको, एक हमारे मित्र है और लड़की है, तो उसका किसी लड़के के साथ प्रेम हो गया और लड़का बहुत अच्छा। उसने कहा कि स्वामी जी ऐसी ऐसी बात है लेकिन मेरे पिताजी ना कहते हैं, अब मैं क्या करूं। तो हमने कहा तुम शादी करो। तो बोले लेकिन वो तो नहीं आएंगे। हमने कहा कौन कौन विरोधी पक्ष है मुझे बताओ। बोले सिर्फ पिताजी, बाकी सब उसको पसंद करते हैं और लड़का बहुत ही अच्छा है। हमने कहा फिर तुम शादी करो। बोले कैसे शादी करूँ। उस समय मैं उस एयरपोर्ट से जा रहा था। हमने कहा देखो मैं यहाँ उतर के दूसरे जगह में कार से जा रहा हूँ, तो एयरपोर्ट पर तुम दोनों सज धज के आना, दो मालाएं लेके आना। एयरपोर्ट पर मैं तुमको हवाई जहाज के साक्षी में तुम्हारी शादी करा दूँगा। आप तो भगवान के साक्षी में कर देना, हवाई जहाज के साक्षी में। और हमने उस दोनों की शादी करा दी। शादी करने के बाद हम बन गए गब्बर सिंह, और उस लड़की के पिताजी हमसे बड़ा गुस्सा कर रहे। तो बोले स्वामी जी पापा आपसे बड़ा गुस्सा करते हैं। हमने कहा जैसा हमारा प्रवचन कोई सुनता नहीं वैसे हम भी किसी का गुस्सा सुनते नहीं। हम तो बोलते रहते, सुनता थोड़ी है कोई। उसी प्रकार से लोग गुस्सा करते रहे, हम कहाँ सुनते हैं, करते रहो। समय धीरे धीरे निकल गया। बोले स्वामी जी क्या करें। हमने कहा देखो शादी करिए ना, पहली प्रायोरिटी बच्चा पैदा करो, फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सब सेकेंडरी है। और उनको एक साल के भीतर एक डेढ़ साल में बच्चा हो गया।
बच्चा होने के बाद जिस पिता ने पुत्री का मुंह नहीं देखूंगा कसम खाई थी, अब वो पोते को लेकर के धीरे धीरे नज़दीक आ गए। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि वो ससुर जी अपने जवाई को ज़्यादा प्रेम करते हैं अपनी कन्या से। कहते हैं कि तूने इस बेवकूफ़ के साथ क्यों शादी करी, तुमको तो कोई और अच्छी लड़की मिल जाती, अपने लड़की को लेकर के वो कहते हैं तुम तो इतने अच्छे हो। लेकिन जब शादी हो रही थी उस समय मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। देखने लायक है क्या मुंह? देखो महाराज, इसीलिए एक बात स्पष्ट समझ लेना, समस्या होती है केवल आइडेंटिटी क्राइसिस की। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? हमारी असली आइडेंटिटी ये है कि हम सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है। इसको समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए द्वितीय अध्याय प्रारंभ किया है। पहले अध्याय में तो अर्जुन पूरा रोता रहा कि नयोच्चैति गोविंदम उक्त्वा तुष्टिं बभूवः, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा सोच करके उसने अपने हाथ से धनुष इत्यादि नीचे रख दिया और विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसहा। उसने हाथ से धनुष और बाण नीचे रख दिए और शोक संविघ्न मानसहा डिप्रेशन में चला गया। शोक संविघ्न मानसहा, जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो दुनिया से विड्रॉ होता है। देखो बाबा जी लोग भी जगत से उपरत रहते हैं और जो डिप्रेस होते हैं वो भी जगत से उपरत रहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? जो डिप्रेशन में है वह रोग की स्थिति है और जो वैराग्य से युक्त है वह स्वास्थ्य है। इसीलिए जब अर्जुन शोक संविघ्न मानसहा दुखी होकर के जब बैठा तो ऐसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया? पहली बात भगवान कहते हैं, कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य दृष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम क्लैव्यम आस्मगम पार्थ न एतत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो दृष्ट परंतप। सबसे महत्व की बात हम सब के लिए भगवद गीता को अपने जीवन में उतारना है, पुस्तक में नहीं रखना है। नहीं तो हम लोग भगवद गीता की अपने भागवत की रामायण जी की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, उसको बांध बूंद करके भगवान के सामने रख दिया, कहीं उसमें से ज्ञान लीक होकर के बाहर ना आ जाए इसीलिए उसको बांध के रख देते हैं और उसके ऊपर में एक एप्पल रख देते ताकि उड़ के ना चला जाए। शास्त्र का आदर पूजा करने से नहीं होता, शास्त्रों का आदर अध्ययन करने से होता है। देखो 24 घंटे के मत्था टेके मत्था टेके मत्था टेके से वो पुस्तक खराब हो जाता है। देखो महाराज, आपको समझो कोई केस है, क्रिमिनल केस है, तो आप चले गए लॉ की लाइब्रेरी में, वहाँ तो क्रिमिनल के सभी पुस्तकें रखी हुई है ना। उन पुस्तकों के सामने जाकर के कहो जी मेरी ऐसी ऐसी समस्या है मुझे मदद करो, कोई पुस्तक मदद करेगा क्या आपको? पुस्तक में का ज्ञान जिसके खोपड़ी में है उसको लायर कहते हैं, लायर नहीं लॉयर कहते हैं, मेरी अंग्रेजी जरा कच्ची है। तो वो जो लॉयर है उसने पुस्तक के ज्ञान को अपने मस्तक में धारण किया है। ज्ञान हमेशा जब तक मस्तक में होगा तभी हमारे काम में आता है। सुभाषितकार कहते हैं कि जो ज्ञान पुस्तक में रहता है और जो पैसा किसी अन्य के जेब में रहता है वो अपने काम में नहीं आता। इसी प्रकार से भगवद गीता में हमारी भगवद गीता ऐसी है, क्या हम भगवान कृष्ण को सर्टिफिकेट दे रहे क्या? ये जो धर्म संरक्षण धर्म संस्कृति इसका जो बोलबाला करने वाले हैं ना वो हमेशा भूतकाल में ही रहते हैं। हमारी संस्कृति इतनी उच्च है, अरे संस्कृत को मारो बोली आप कैसे हो?
ये महत्व की बात है। भाषा को लेकर के कितना दुराग्रह, आप कौन सी भाषा में बोलते हो ये महत्व की बात नहीं है, क्या बोलते हो ये महत्व की बात है। देखो हम चम्मच को लेकर ही गुस्सा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, चम्मच में क्या है। यदि आपके पास चांदी का चम्मच हो और खाने के लिए कुछ घटिया चीज हो, और यदि प्लास्टिक का चम्मच हो और खाने के लिए रसगुल्ला हो, तो क्या अच्छा लगेगा, चम्मच या रसगुल्ला। इसी प्रकार से आप कौन सी भाषा में बोल रहे हो ये महत्व की बात नहीं है, क्या बोल रहे हो ये महत्व की बात है। और इसीलिए भगवद गीता पुस्तक में से हट करके हमारे मस्तक में जानी चाहिए। देखो तो इसके लिए हम सबको नियम से इसका अध्ययन करना है। और जैसा हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो उसके लिए कैसा दिल लगा करके पढ़ते हैं। लेकिन जब भगवद गीता के अध्ययन का समय आता है तो बेटा अभी से क्या सत्संग को जाते हो, अभी से क्या भगवद गीता पढ़नी है, जब बूढ़े हो जाओगे तब पढ़ना, माने जब सुन नहीं सकते तब सत्संग सुनो, जब बैठ नहीं सकते तब मेडिटेशन करो, जब याद कुछ रहता ही नहीं, बहू मुझे खाना दोगी क्या, आपने 5 बार खाना खाया है 1 घंटे में, अच्छा मैं भूल ही गया था। अब जैसी ऐसी जिसकी खोपड़ी हो गई हो वो भगवद गीता को याद करना चाहता है। भगवद गीता जवानी में पढ़ने का ग्रंथ है। ये मत समझो कि भगवद गीता पढ़ने से बाबा जी बनेंगे, मैं गारंटी देता हूं आज तक कोई बाबा जी नहीं बना, बाबा जी होते हैं, जो बनते हैं वो बनावटी होते हैं। कपड़े बदलने से कोई बाबा जी नहीं बनता, ये तो हृदयस्थ भाव है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो अर्जुन को मूल बात बताते हैं, पहली बार कुतस्वा कश्मल विदम विषमे समुपस्थितम, तुम्हारे मन में यह निगेटिव थिंकिंग कहां से आई है। सबसे महत्व की बात, वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली इन लाइफ। जिस व्यक्ति के जीवन में निगेटिव थिंकिंग होती है वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और थिंकिंग अपने खोपड़ी में होती, बाहर नहीं होती। और कैसे निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग होती है, देखो ये उदाहरण अनेक जगह आपने पढ़ा होगा। एक गिलास में आधा गिलास भर करके दूध था। अब जो निगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति होगा वो आधे खाली गिलास को देखेगा और रोएगा, भगवान मुझे आधा गिलास कम क्यों दूध दिया, कंप्लेन करता रहेगा। और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा उसने देखा आधा ग्लास मिला है ना, दबा लो अगला देखा जाएगा। देखो निगेटिव थिंकिंग माने क्या, जो नहीं है उसको लेकर के व्यथित होना। आप सबने किया होगा और आपके बच्चे भी करते होंगे। जब हमारा बचपन में, बुढ़ापे की बात नहीं, बचपन में पहली बार जब दांत गिर जाता है, एक दांत, तो वहाँ गिरने के बाद वो बच्चा अपनी जीवा कहाँ ले जाता है, उसी दांत के पास, तो माँ क्या कहती है, ऐसा मत कर, वहाँ से दांत टेढ़ा निकलेगा सुअर के जैसा, वैसे ही स्वाइन फ्लू आ रहा है, वैसे मत कर। माने जहाँ दांत है वहाँ जीवा नहीं जाएगी, जहाँ दांत नहीं है वहाँ जीवा जाएगी। इसी प्रकार से जो प्रभु ने हमको दिया है उसके बारे में हम बोलेंगे नहीं, जो नहीं दिया है वो उसको बताएंगे जाकर। यही है निगेटिव थिंकिंग। तो भगवद गीता का अध्ययन करने वाला आदमी कभी भी निगेटिव थिंकिंग नहीं करता। कुतस्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, तुम्हारे पास ये निगेटिव थिंकिंग कहाँ से आई है। देखो और ये निगेटिव थिंकिंग क्या है, अनारिष्टम, जो कल्चर्ड है वो लोग निगेटिव थिंकिंग नहीं रखते। वी हैव टू बी पॉजिटिव, सब कुछ संभव है जगत में।
नहीं तो यही विचार करेंगे कि देखो कई लोगों के डाइवोर्स होते हैं तो शादी करें या ना करें, या शादी इसलिए करें कि डाइवोर्स करने का चांस मिलता है, ये कोई विचारधारा है। इसलिए अनार्य दुष्टम जो समझदार है कल्चर्ड है, दे नेवर थिंक इन ए नेगेटिव मैनर। अनार्य दुष्टम और अस्वर्ग्यम, अस्वर्ग्यम ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वाला जो व्यक्ति है उसको कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। देखो एक ऐसे आदमी मर के स्वर्ग में गया, वहाँ गया तो वहाँ के भगवान ने पूछा भाई कहाँ से आए हो, बोले पीतमपुरा से आए। बहुत बढ़िया बात है। कैसे लगा स्वर्ग? क्या जी यहाँ तो मच्छर नहीं है, जो मच्छरों में रहते हैं ना उनको मच्छर नहीं होने की भी कंप्लेन होती है। देखो संतो एक सिद्धांत समझ लेना, कभी भी कंप्लेन मत करना, नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग और एनीबॉडी। आपका जीवन एकदम सुंदर बगीचा बन जाएगा। हम तो भगवान के बारे में भी कंप्लेन करते हैं, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तुमको परेशान करने के लिए काहे को दुनिया बनाई। इसीलिए अनार्य दुष्टम अस्वर्ग्यम, स्वर्ग माने वह स्थान जिसमें कंप्लेन करने का मौका ही नहीं मिलता। स्वर्ग किसको कहते हैं? जिसमें छह बातें नहीं होती है उसको स्वर्ग कहते हैं। कौन सी छह बातें? बुढ़ापा और मृत्यु, स्थूल शरीर को लेकर के, भूख और प्यास प्राण को लेकर के, शोक और मोह अपने मन को लेकर के। जिसके जीवन में बुढ़ापा और मृत्यु इनका भय नहीं है, जिसके जीवन में भूख प्यास की परेशानी नहीं है और जिसके जीवन में शोक मोह समाप्त हो गया है, वह व्यक्ति जहाँ है उसी को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग स्थान विशेष नहीं है, स्वर्ग अनुभूति विशेष है। एक बार हमने कहीं पढ़ा था, सुना है शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है, सुना है शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। लो हमने शादी क्या करी, स्वर्गवासी हो गए। शादी के बाद कोई आदमी जिंदा रहता है क्या? इसीलिए अस्वर्ग्यम यह जीने का तरीका नहीं है। और तीसरी बात अकीर्ति कर्म अर्जुन, और ऐसा जो निगेटिव थिंकिंग का व्यक्ति होता है उसकी कीर्ति कभी नहीं होती। लोग तो ऐसा ही कहेंगे अर्जुन एक ऐसा योद्धा था कि उसने ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया, उसको ये चक्र मिला वो चक्र मिला और चक्कर काटता रहा, लेकिन जब युद्ध करने का समय आया तो दुम दबा के भाग गया। यही तो तुम्हारी बात होगी ना, अकीर्ति कर्म अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन तुमको इस प्रकार की जो कायरता आई है उसका एक ही कारण है कि यू आर थिंकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। देखो महाराज अकीर्ति कर्म अर्जुन। आगे क्लैव्यम आस्मगम पार्थ, तो अपने बुद्धि से अपने मन से अंतकरण से यह निगेटिव थिंकिंग को निकाल देना है, उसके लिए एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और वह उपाय है जीवन हमेशा हमारा उत्साहपूर्ण होवे। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूं, मरो फिर। हमको भगवान ने जो पैदा किया है वो आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए पैदा किया है, गम उठाने के लिए नहीं किया है पैदा। और जो व्यक्ति उत्साह से पूर्ण होता है वो कभी दुखी नहीं होता, जो दुखी होता है उसमें उत्साह नहीं होता। देखो एक बार हम टीवी पर ये हर्डल रेस देख रहे थे किसी ओलंपिक्स की, और एक बुढ़ाऊ अम्मा बहुत बूढ़ी थी, 98 नॉट आउट, तो हम उसके साथ बैठे थे। हमने कहा अम्मा
देखो कैसा अच्छा लगता है। बोले स्वामी जी मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हमने कहा किस चीज़ का दुख हो रहा है? बोले देखो ना वो जो लड़कियाँ दौड़ रही हैं बीच में क्या डंडे रख दिए हैं, बिचारियों को कूदना पड़ता है, वो डंडे हटा दो तो कितना आराम से दौड़ सकेगी। जो ऑब्स्टेकल रेस है उसमें जितने ऑब्स्टेकल्स है ये देखने वालों के लिए भले हर्डल हो लेकिन उस जो वहाँ कॉम्पीट कर रहा है उस लड़की के लिए इट वॉज नॉट ए हर्डल, इट वॉज ए चैलेंज। ध्यान से सुनना, उत्साह को हृदय में जागृत करने के लिए डोंट लुक एट द लाइफ एज ए प्रॉब्लम, टेक लाइफ एज ए चैलेंज। देखो जीवन में उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है और सफलता जीवन में हार्ड वर्किंग से नहीं आती, वी विन व्हेन वी आर इंस्पायर्ड। देखो महाराज, और जब हम इंस्पायर्ड नहीं होते तो परस्पायर्ड रहते हैं, जब परस्पिरेशन होता है तो स्टिंक आती है और जब स्टिंक आती है तो लोग हमसे दूर भागते हैं और हम बन जाते हैं बायोलॉजिकल ओडोमॉस, कोई भी हमको नहीं चाहता। जहाँ हम गए वहाँ से लोग दूर चले जाते। एक बुढ़ाओ अम्मा की बात है, काफ़ी पढ़ी लिखी डॉक्टरेट थी और उसके घर हम गए थे, बहुत पुरानी बात है, दिवाली के दिन कम से कम आठ उनके लड़के, आठ या नौ थे, तीन लड़कियां, पूरी क्रिकेट की टीम थी, सबकी शादियां हो गई, सबके बच्चे हो गए, बिल्कुल नंदनवन के जैसा, और झूले में हम झूले लाल बैठे, दिवाली का समय, हा हा हु हु हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तब तक ये बुढ़ाऊ अम्मा अपने नौकरों को डांट रही थी कि पूजा कर रही थी, भगवान को भी डांट रही होगी, वो सब कर करा करके जब हम सब लोग बैठे वहाँ पहुँची, जैसे वो पहुँची तो धीरे धीरे हर एक को एक एक चीज़ याद आने लग गई। किसी को फ़ोन करने का याद आ गया, किसी को बाथरूम को जाने का याद आ गया, किसी को किसी ने बुलाया, धीरे धीरे सब लोग वहाँ से तितर पितर हो गए और मैं एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, मैं वहाँ अकेला जाऊँ तो जाऊँ कहाँ बैठा। और वो मुझे कहती, देखा स्वामी जी आपने, ये हमेशा ऐसा होता है, जब भी मैं जाती हूँ कोई भी वहाँ नहीं बैठना चाहता, मैं क्या करूँ? मैंने कहा कि अम्मा मैं भी जाना चाहता हूँ। कल्पना करो आप घर गए और जैसे आप घर पहुंचे आपके पत्नी ने वही ड्रेस पहना जो आपको अच्छा लगता हो और उसने बड़े स्माइल के साथ आपको घर में रिसीव किया, आपके हाथ से बैग ले लिया और आपको हाथ पकड़ के बड़ा प्यार से सोफा पे बैठाया, उसके बाद आपके जूते उसने निकाले और गुनगुने पानी से टॉवेल में भिगो करके आपके पैर को हल्के हल्के पोछा। अरे भाई कल्पना करो, फ्री है, होता नहीं मुझे मालूम है, अब कल्पना करने भी कितनी खुशी हो रही है ना कि आई विश स्वामी जी ने तो मेरे मन की बात करी है। तो यदि ये कल्पना में इतनी खुशी है, यदि ये असल में होने लगे तो कितनी खुशी है। देखो जहां हम जाए दुनिया में सभी हमको चाहे, इससे बढ़ करके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है। देखो संतो, और ये तब होगा कि जब हम किसी के लिए भी उत्साह प्रदान कर सकते हैं। न जहाँ हम गए, अरे बाप रे आ गया स्वामी जी, मेरे कमर में ना बहुत दर्द है, तो हम कहेंगे अम्मा क्यों झूठ बोल रही हो? नहीं स्वामी जी आपकी कसम, मेरी कसम मत खाना, किसी और के खाना, मुझे मारने पड़ी है।
क्यों मेरी कमर पे दर्द नहीं, ऐसा क्यों कहते हैं आप? कमर हो तब ना, आपका तो कमरा है, कमरे में दर्द ही होता है, कमर में कभी दर्द नहीं होता। ना अपने खाने पर कंट्रोल है, ना कोई शारीरिक व्यायाम है, बस ऐसे ही अपने जी रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं। देखो, उत्साह से जीना माने अपना शरीर, अपना मन, अपने बुद्धि को हमेशा हेल्दी रखना है। देखो, 40 साल की उम्र के बाद जिस व्यक्ति को अपने आप को देखने के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वो व्यक्ति मुर्दा है। हम ये नहीं समझ सकते कि हमारे लिए क्या योग्य है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये यदि 40 साल की उम्र के बाद भी हमको समझ में न आवे तो कौन सिखाएगा हमको? देखो महाराज, इसीलिए क्लैव्यम मास्मगम पार्थ, जीवन उत्साह पूर्ण होवे। और उत्साह कब आता है, ध्यान से सुनो, जितना आपका लक्ष्य ऊंचा होगा उतना आपका उत्साह दृढ़ होगा। When you can think high, you rise above। हमारे अहमदाबाद की बात है, वहाँ हम लेक्चर खत्म करके स्टेज से नीचे आ रहे थे, और वहाँ आने के बाद एक लड़का आया अपने हेलमेट को लेकर के, जैसे बेबी को लेकर के आता है, आ गया, चढ़ रहा था ऊपर। स्वामी जी मिले, उतरो नीचे, मुझे नीचे उतरने दो, ट्रैफिक जाम मत करना। तो मैं नीचे उतरा, आने के बाद कहता है, स्वामी जी मैं लड़कियों के पीछे दौड़ता हूँ, व्हाट इज़ रॉन्ग? हमने कहा कुछ रॉन्ग नहीं है, दौड़ो, डू यू वांट ए कंपनी, आई कैन कम विथ यू। नहीं 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 स्वामी जी, ऐसी बात नहीं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, यदि तुम नहीं दौड़ते तब समथिंग रॉन्ग है, तो अच्छी बात है, दौड़ो, जवानी में सब होता ही है। जो इतना जोर से प्रश्न पूछने आया था एकदम पंचर हो गया, उसको लगेगा कि मैं कहूँगा कि नहीं बेटा, लड़कियों के पीछे नहीं दौड़ते, भैंस के पीछे दौड़ते। ठीक है, दौड़ो, बहुत बढ़िया बात है, दौड़ो, जितना दौड़ो, जब थक जाओगे तब मेरे पास आ जा। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं मेरा प्रश्न। हमने कहा रियली समझ ही नहीं रहे, व्हाट इज रॉन्ग? यदि जवान लड़का लड़की के पीछे नहीं दौड़ेगा तो बुढ़ाओ दौड़ेगा? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमने कहा देखो, तुमको पता नहीं तुम क्या कहना चाहते हो, तुम ये कहना चाहते हो कि स्वामी जी मेरा जो मन है ना, वो इतना दौड़ता है, भागता है फालतू चीज़ों के पीछे, इसके कारण मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, तो मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल करूं? हाँ, एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वांट टू आस्क। देखो, हमको अपना प्रश्न भी मालूम नहीं होता कि हम क्या पूछना चाहते हैं। तो हमने उसको कहा, देखो बेटा, एक सिंपल बात है, जितना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ऊंचा होगा उतनी नीचे की चीजें अपने आप गिर जाएगी। देखो, ऊंचा लक्ष्य क्या है, डोंट बी सेटिस्फाइड विद स्मॉल स्टूपिड थिंग्स। कौन सी स्मॉल स्टूपिड थिंग है? एजुकेशन पूरा हो गया, अब नौकरी लग गई है, अब शादी हो गई, अब बीवी आ गई, अब बच्चा आ गए। अरे ये तो कोई भी करता है, इसमें कौन सी खास बात है? जीवन का लक्ष्य ये नहीं होता, जीवन का लक्ष्य ही फिक्स करना है, एक, किसी भी हालत में दुखी मत होना, ये जीवन का लक्ष्य है। किसी के भी साथ कोई भी हालत में कंप्लेन मत करना, ये जीवन का लक्ष्य है। हमेशा प्रसन्न रहना, ये जीवन का लक्ष्य है। और हमारा लक्ष्य यही होता है बिल्कुल घटिया। घटिया क्यों? कि देह को हम घट कहते हैं ना, तो जो देहात्मवादी है वो सब घटिया है। इसीलिए अर्जुन के सामने लक्ष्य क्या था, इस सिद्धांत के लिए जो लड़ रहा था उस सिद्धांत को वो भूल गया, और दादाजी और गुरुजी इसी में वो फंस गया। देखो,
इसीलिए क्लैप्यम मास्मगम पार्थ नहीं तक कोई उपपद्यते। जिसने भगवद गीता का अध्ययन किया है उसके जीवन में 24/7 उत्साह बना रहना है। खाओ तो उत्साह के साथ, एक एक चीज का टेस्ट लेकर के खाओ, एंजॉय योर फूड। हम किसी के घर गए थे खाने के लिए और हम और उनके पीपी दोनों खाने को बैठे। पीपी मालूम है ना, पीपी माने पति परमेश्वर। हम और पीपी खाने को बैठे और जब खा रहे थे तो हमने कहा अम्मा इसमें ना कम है नमक दो, इसे नमक दिया। हमने कहा इसमें नींबू तो है नहीं, नींबू की सेवा थोड़ी मजा आता है, फिर नींबू दिया। हमने कहा मूंग की दाल हो, नींबू हो, उसमें घी नहीं हो तो क्या खाने का मजा आया, घी खाया। और फिर उसने कहा स्वामी जी हमारे ये जो है ना ये तो कभी बताते भी नहीं कि इसमें नमक कम है ज़्यादा है, सब मिला के खा लेते हैं। हमने कहा देखो भाई मैं तो आदमी हूँ ना, मैं भैंस तो हूँ नहीं, भैंस ने कभी नमक मांगा है क्या? जीवन के प्रत्येक कार्य में खूब इंटरेस्ट लो। देखो खाने में आप नहीं जाएंगे ना, हो गया है फिर, नहीं 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 एक लड्डू और लो। अच्छा एक लड्डू क्यों, चौका दे दो। यू नो हमारे राजस्थान में जो लड्डू परोसते हैं ना वो एक एक लड्डू नहीं परोसते, वो चौका लो ना, एक चौका दे दो, चार लड्डू इकट्ठे दे देते। माने खाएंगे एज इफ ओब्लाइजिंग द वर्ल्ड, वॉट एवर यू डू एंजॉय। एंजॉयमेंट तब होता है कि वेन वी फुल्ली पार्टिसिपेट। कोई भी काम आधे दिल से मत करना, यदि यहां आए हो तो पूरे मन को लगा के सुन लो, यदि जाना है तो उठ के चले जाओ। ठीक है आप बोलते रहो तब तक मेरी नींद ना घर के ना घाट के। देखो और यही सिद्धांत जीवन में काम में आता है। जिसने ये सीख लिया है कि जो भी कुछ करना है उसमें 100% लग जाना है, उसी को उत्साह कहते हैं। तो खाते समय उत्साह, आप क्या खाते हो इससे ज्यादा आप कैसे खाते हो इस पर अवलंबित है। हमको लोग पूछते हैं स्वामी जी आप किस चक्की का आटा खाते हो? हमने कहा हम तो आटा खाते ही नहीं। देखो क्या खाते हो उससे ज़्यादा महत्व का है कैसा खाते हो। यदि आप प्रसन्न चित्त से एंजॉय करके खाओ ना तो जो भी खाओगे उसको पूरा डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स इन लाइफ, नॉट व्हाट यू ईट। उत्साह जीवन की फाउंडेशन है। तो खाने में उत्साह, चलने में उत्साह, चलो तो ऐसे कि कोई भी रुक करके देखे, देखो कैसे डांट के चल रहा है, और हम लोग भटक भटक जैसे भैंस जा रही है, रे राम राम। सोना है वहाँ भी उत्साह नहीं सोने का, वो पड़े हैं पहले पीठ के ऊपर में, फिर भी नींद नहीं आ रही, फिर बाएं, फिर भी नींद नहीं है, फिर दाहिने तरफ आ गई, फिर भी नींद नहीं आ रही। अब तीनों ऑप्शन खत्म हो गए, नेक्स्ट ऑप्शन है भुजंगासन, पेट पर आ गए और पेट दर्द होने लग गया, अब क्या करें, चलो फ्रिज खोल करके कुछ खा ले। रात को 2 बजे जिस व्यक्ति को उत्साह नहीं होता वो जीवन में हर जगह में रोएगा। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, अब ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति ने उत्साह का अर्थ इस प्रकार से समझ लिया है, उत्साह माने जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप में आप 100% उपलब्ध हो, तब देखो आपके जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। जब जब हम दुखी होते हैं तब तक हम हाफ हार्टेड रहते हैं। होल हार्टेड रहो, नॉट विद ए होल इन द हार्ट। पर ये जब आदत पड़ जाती है ना कि कोई भी काम कर रहे हैं तो आधे दिल से कर रहे हैं, तो पूजा भी करेंगे तो आधे दिल से, पता नहीं मुझे क्यों ये बता दिया, इतने पूजा करना आधे दिल से कर दिए, उसके बाद जब
बेटा तुमको मैं जो है ना एक महामंत्र का जप देता हूँ, फिर जप दे दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसकी जो है ना तुमको रोज 25 माला करनी है, 25 माला, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। फिर वो माला अड़ जाती है, फिर उसको थर्मामीटर के लिए झटकते हैं। ये सब कार्टून है जीवन के। और ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में आधा होता है, ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन के लिए बैठेगा तो एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स बहुत है, एसी, यूसी, आईसी, डीसी, चारों तरफ से, इधर से सपोर्ट, उधर से सपोर्ट, डिस्टर्ब मत करो, बाहर बोर्ड लगा दिया, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, टेक ए D2, लाइट ऑफ करके मेडिटेशन कर रहे, क्योंकि मेडिटेशन इतना घृणास्पद कार्य है कि अंधेरे में करना चाहिए। अंधेरे में मेडिटेशन करना है कहाँ की बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है कि अंधेरे में करें। यही सब नाटक चलते हैं। कारण क्या है कि हमारा मन कहीं भी 100% नहीं होता। देखो संतो, क्लैव्यम मास्मगम पार्थ नए तत्वयु उपबद्धते, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है अर्जुन। जीवन में भी कुछ प्राप्त करना है तो पहली स्टेप है लिव विद इंस्पिरेशन। हमारे स्वामी विवेकानंद कितने साल जिए और आज तक कितने हजारों लाखों लोगों को वो अभी तक मोटिवेट कर रहे हैं। क्यों? कि वो स्वयं इंस्पायर्ड थे। देखो, इंस्पिरेशन नेवर डाइज एंड दैट अनडाइंग फोर्स हैज टू बी इन्वोक्ड इन एवरी वन ऑफ अस। जिसके जीवन में यह इंस्पिरेशन नहीं है, इसीलिए भगवान का शब्द है क्लैव्यम मास्मगम पार्थ। क्लिबता माने, यदि आप उसका संस्कृत में भाषांतर करोगे तो क्लिबता माने नपुसकता। नपुसक वो होता है कि जिसके जीवन में उत्साह नहीं होता। तो हमको जीवन में नपुसक बन के नहीं रहना है, उत्साह से जीना है। अब जी के क्या करेंगे, मरो, मरते भी नहीं ना, ना तो मरने का इरादा है ना तो जीने की तमन्ना है। ऐसे जो घटिया लोग हैं उनको कौन सुधार सकता है। इसीलिए क्लैव्यम मास्मगम पार्थ नए तत्वयु उपबद्यते, फिर क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। अपने दिल में जो कायरता है, दुर्बलता है, देखो ध्यान से सुनना, आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास एक ही वस्तु के दो नाम है। जैसे सिक्का होता है ना, कॉइन, कॉइन को दो दिशाएं होती है, हेड और टेल। कोई भी कॉइन ऐसा नहीं होता कि जिसको एक ही साइड हो, दो साइड होना आवश्यक है। इसी प्रकार से जिसमें आत्मविश्वास है उसी में परमात्मा विश्वास होता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। हम कहते तो है हम भगवान के बड़े भगत हैं और रोते हैं। भगवान के भगत कहने के पश्चात रोना, ये भगवान के प्रति लांछन है। देखो, इसीलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय की जो दुर्बलता है। क्षुद्र, क्षुद्र माने क्या? अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम। जो छोटी छोटी बातों में फंसा है ना, एक कहावत है कि कोई सोचे कि दांत में जो खाना अड़ जाता है उसको निकाल करके उसको निगलने के बाद पेट भरेगा, ऐसा जो दरिद्री विचार का आदमी है वो जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। क्षुद्रता माने छोटी छोटी चीजों में फंस जाना। और ध्यान से सुनना, हम सभी के सभी जो दुखी होते हैं ना, वो छोटी चीजों को लेकर के दुखी होते हैं। हम में से ऐसा कौन है कि जो इसलिए दुखी हुआ है कि वो
अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सका? मुझे बताओ, कोई भी नहीं। हमारे दुख का कारण, आज सुबह उठे थे और सुबह चाय चाहिए थी, दूध लाया और फटा हुआ दूध निकला। जी क्या करें, सुबह सुबह चाय नहीं मिली। जो फटे दूध को लेकर के रोते हैं वो फटीचर होते हैं। देखो जिंदगी में किया क्या, केवल दूध पी के पेशाब निकला और किया क्या। देखो महाराज, छोटी छोटी चीजों को लेकर के दुखी मत होना। भगवान कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा। और यदि हम छोटी बातों में ध्यान लगाएंगे ना, तो हमारा ध्यान उच्च बातों में नहीं होता, क्योंकि छोटी में ही फंसे हुए हैं। इसीलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ भारत। उत्तिष्ठ माने खड़े हो जा, डट के खड़े हो जा। क्योंकि अर्जुन बैठ गया था ना, अब तो मेरे से कुछ होता नहीं। होता क्यों नहीं, होता है। स्टार्ट, इट इज पॉसिबल। जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, यदि हम हिम्मत से पूरे आत्मविश्वास के साथ लग जाए तो संभव है। अब भगवान ने तो इतना जोश में आकर के अर्जुन को कह दिया, लेकिन हमारे अर्जुन सिंह महाराज अभी भी छोटी मोटी बातों में ही फंसे थे। कहते हैं कथम भीष्म अहम संखे द्रोणं च मधुसूदन इषु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। ध्यान से सुनना, जब हम पहले निर्णय लेते हैं और बाद में विचार करते हैं, तो हमारा विचार कैसा होगा? अपने निर्णय का समर्थन करेंगे या हम अपने निर्णय का विरोध करेंगे? हम अपने ही निर्णय का समर्थन करेंगे ना। अच्छा, आपने निर्णय कौन सी स्थिति में लिया? अर्जुन ने स्वयं कहा था कि मैं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ। तो क्यों लिया निर्णय? अच्छा, निर्णय लेने के बाद विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? मेरा निर्णय कैसे ठीक है? यही गलती हर एक इंटेलेक्चुअल करता है। एवरी इंटेलेक्चुअल डज द सेम मिस्टेक। दो प्रकार की बातें होती हैं, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं इंटेलेक्चुअल्स और दूसरे होते हैं इंटेलिजेंट। What is the difference between intellectuals and intelligent people? Intellectuals are intelligently miserable. Arjun was in that category. Those who justify their being miserable, they are intellectuals. देखो, और intelligent कौन होते हैं? Intelligent वो होते हैं, वो कभी दुखी होते ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं आता, दुख आता है, लेकिन दुखी नहीं होते। देखो महाराज, इसीलिए अर्जुन बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता था। और जहाँ इंटेलेक्चुअल हो गया आदमी, फिर अपने ही निर्णय का समर्थन करने लग गया। और कैसे समर्थन कर रहा है? वो अपने एरर को वो पकड़ नहीं रहा है। उसकी एरर क्या थी? उसकी एरर थी कि मैं अपने दादाजी और गुरु के साथ युद्ध कर रहा हूँ। नहीं बाबा, तुम एक योद्धा हो और दुश्मन के साथ युद्ध कर रहे हो। और दुश्मन के स्थान पर यदि तुम्हारे स्वयं दादाजी और गुरु आ गए हैं, तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। देखो, विचार करते समय ये ध्यान में रखना है कि हम कहाँ हैं। एक बात है, एक लड़का था, वो किसी जगह में काम करता था, गवर्नमेंट जॉब था, और उसको कोई 10-12 हज़ार तनख्वाह मिलती थी। और उसको उसका काम बहुत अच्छा, उसने अपना नाम भी कमा लिया था रिसर्च में वगैरह। तो किसी प्राइवेट कंपनी के लोग आकर के उसको कहा कि हम आपको अच्छा जॉब देंगे, आप चलो हमारे साथ। गवर्नमेंट में तो किसकी कदर होती नहीं। तो वो बोला कि मैं बाद में बताऊंगा। 2-3 दिन के बाद मेरे पास आया, स्वामी जी मुझे ऐसे ऐसे ऑफ़र आई है, मैं क्या करूँ? चले जाओ। बोले स्वामी जी चले जाओ ना। बोले मेरी इतने सालों की जो नौकरी है, 10 साल हो गए मेरे नौकरी के, और इसको छोड़ जाऊंगा तो सिक्योरिटी। हमने कहा देखो, तुमने मुझे पूछा है ना,
मुझे बताता हूँ वो करो, ने तो पूछा क्यों। इसीलिए हम उसके बाद दो सिद्धांत तब रखते हैं किसी के भी साथ बात करते समय, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट, अन्यथा संकल्प टूट जाता है। देखो तो फिर अच्छा मैं जाऊंगा स्वामी जी आपने कहा है, और जब वो ऑफिस में गया कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो डंडा करने वाले होते ही है कि तुम तो नहीं जा सकते, 3 महीने की तनख्वाह दो नहीं तो 3 महीने की नोटिस दो। फिर आया स्वामी जी ऐसा हो रहा है क्या करूँ। हमने कहा तुम बेवकूफ नंबर 1 हो, तुम चले जाओ, तनख्वाह भी मत दो, कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट वो है कि जो सबकी माँ है, खा जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा वो वहाँ चला गया, यहाँ इसको 10-12 हज़ार मिलते थे, वहाँ उसको 50,000 पर मंथ मिलते थे। वहाँ जाने के पश्चात उसने वहाँ 3-4 साल नौकरी करी, और उसका काम दे करके दूसरी कंपनी जो उसके बगल में ही थी उसने उसको कहा कि यहाँ तुमको जितने मिलते हैं उससे 3 गुना तुमको हम देंगे। तो कहाँ 50,000 पर मंथ और कहाँ 1.5 लाख पर मंथ। फिर वो आया स्वामी जी चले जाओ। बोले स्वामी जी इज इट नॉट डिसीविंग दिस कंपनी। हमने कहा देखो यू आर ए कमोडिटी इन द मार्केट, यू आर ऑन सेल, जो ज़्यादा पैसा देंगे उठा के ले जाएगा, डोंट बिकम इमोशनल। जब बिजनेस करते हो तो बिजनेस करो, बाकी कुछ मत करो, और तुमको जितना इमोशन है ना, जितना पैसा खराब हो रहा तो एडिशनल पैसा मुझे दे देना और शांत रहना। ध्यान से सुनना संतो, वी मस्ट अंडरस्टैंड अवर पोजिशन, वॉट यू आर एट ए गिवन टाइम। लेट अस नॉट गेट कैरिड अवे बाय अनवांटेड इमोशंस। लेकिन अर्जुन में वही चक्कर आ गया, वो कहता है कि मैं अपने दादाजी को और अपने गुरु को कैसे मारूं, मारने की तो बात छोड़ो, इसके शब्द है प्रतियोत्स्यामी, उनका मैं प्रतिकार भी कैसे करूं। प्रतिकार करना माने क्या, यदि वो मुझे मारते हैं तो उनका मैं प्रतिकार भी नहीं कर सकता। कारण क्या है, पूजार हो वो पूजनीय है। अब देखो क्या कर रहा है अर्जुन, अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन बेसिक एरर क्या थी, बेसिक एरर ये थी कि तुम अपने दादा से तुम अपने गुरु से युद्ध नहीं कर रहे हो, ये बात उसके खोपड़ी में जा ही नहीं रही। देखो हम सब लोग ऐसी कहीं ना कहीं एक छोटे से क्लॉज में फंस जाते हैं, उसमें निकल जाओ। देखो पूरी भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई, अर्जुन ने कर्मयोग नहीं किया, अष्टांग योग नहीं किया, भक्ति योग नहीं किया, ज्ञान योग नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया। युद्ध के मैदान में अर्जुन के बैठा था कि मेडिटेशन करने के लिए, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, हाँ कुछ नहीं किया उसने। फिर हुआ क्या, केवल एक बात हुई, आइडेंटिटी क्राइसिस वॉज करेक्टेड। हमारे सबकी एक ही समस्या है, हम अपने आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। देखो भरत जी जब आते हैं अपने ननियाल से और उनको पता चलता है कि भगवान राम चले गए वनवास में उनके कारण, तो उनको अपनी आइडेंटिटी क्लियर थी कि पहले मैं राम का भक्त हूँ, बाद में मैं माँ का पुत्र हूँ। इसी प्रकार से हमारी सबकी पहली आइडेंटिटी ये है कि हम इस दुनिया में जो आए हैं ना, अपने स्वरूप में जो परमात्मा तत्व है उसको प्रकट होने देने के लिए आए हैं, जगत से कुछ लेने के लिए नहीं आए, जगत को कुछ देने के लिए आए। पर क्या दे सकते हैं जगत को, एक ही बात। मुझे आज एक SMS आया, स्वामी जी एक अम्मा है वो मुझे अपना बच्चा समझती है, तो उसने कहा कि स्वामी जी बेटा जी नवरात्रि के उपलक्ष्य में आपको क्या दूँ, कौन सी गिफ्ट चाहिए। तो मैंने उसको लिखा कि बी हैप्पी, दैट इज द हाइएस्ट गिफ्ट यू कैन गिव मी। फिर उसका है मेरे हैप्पी होने से आपको क्या मिलेगा, हमने कहा एक रोता हुआ चेहरा कम मेरे पास आएगा, बहुत बड़ी बात है। नाश्ता कह 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 करते रहते हैं।
देखो सबसे बड़ी जीवन में यदि कोई बात है इस जगत में अपने हृदय स्थ आनंद को बिखेर देना है, ये तब होगा कि जब अपने हृदय के आनंद को हमने टटोला है, स्क्रैच किया है और बाहर आने दिया है। उसके लिए भगवद गीता है। भगवद गीता रोने के लिए नहीं है। देखो अब आपके सामने, आंखों के सामने आप ये चित्र ले आइए। क्या चित्र है? अर्जुन रथ के नीचे बैठ गया है, रो रहा है। भगवान कृष्ण वहाँ खड़े हैं और रोते हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण डांट रहे हैं। क्लैव्यम मास्मगम पार्थ नहि तत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोदिष्ठ परन्तप। तो हम क्या कहेंगे? देखो बेचारा अर्जुन इतना अच्छा था, अहिंसा परमो धर्म कह रहा था कि अपनों को कैसे मारे, उससे तो भीख मांगना अच्छा है, सबका नाश होगा। इतना समझदार अर्जुन, उसको भगवान कैसा देखो ट्रीट कर रहे, उसके मजाक उड़ा रहे। देखो महाराज, यही बात गांधारी ने कही थी भगवान कृष्ण को। जब युद्ध पूरा हुआ और उसके सभी पुत्र मारे गए, तब गांधारी कहती है भगवान कृष्ण को, कन्हैया तेरे कारण ही मेरे बच्चे मारे गए, अब लो कोयले के दलाली में हाथ काट। उनको क्या लेना था इस युद्ध से? लेकिन उन्होंने भी उनको शाप दिया, जैसे मुझे अपने पुत्र के मृत्यु का दुख हो रहा वैसा भी दुख तुमको होगा 36 साल के बाद। और भगवान ने उस शाप को स्वीकार किया। इसी से पता लगता है भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में 89 साल के थे, क्योंकि भगवान ने अपने लीला का सवरण किया जब वो 125 साल के थे। 125 पे से 36 निकालो तो 89 बचते हैं। तो ऐसा जो भगवान श्री कृष्ण है वो इस अर्जुन के मजाक उड़ा रहा क्या? ध्यान से सुनना संतों, ये बहुत महत्व की बात है। किसी भी दुखी व्यक्ति के पास जाओ तो उसको और दुखी नहीं बनाना। अपने यही की बात है, दिल्ली की बहुत पुरानी। एक बार एक हमारे मित्र थे, दोनों बूढ़े थे और हमको माता पिता के समान हमारा बड़ा ख्याल रखते थे, प्यार करते थे। एक दिन हमको पता चला कि उनकी पत्नी मर गई, और पत्नी थी कोई 74-75 की और ये थी 78-79 के। जैसे मुझे पता चला तो मैंने कहा भाई मैं अभी तो नहीं आ सकता हूँ, मैं ब्लफ मारने में बिजी हूँ, जैसे टाइम मिलेगा आ जाऊँगा। और फिर मैं 10-12 साल दिन के बाद उनके पास गया, तब तक सब क्रियाकर्म पूरा हो गया। और जब वहाँ गया, जाने के बाद फिर हमने गवर्नमेंट की बुराई करी, क्लाइमेट के बारे में बात करी, लोग कैसे बुरे हैं और हम कैसे अच्छे हैं, ये ऐसे विषय है, इसका चिंतन करने से पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। तो हमने वो चिंतन किया और उसके बाद जब निकल रहे थे तो हमने कहा अच्छा बाबू जी हम चाय पी के निकलेंगे। तो बढ़िया चाय बनी, पकौड़े आए, कचौड़ियाँ आई, खाए पिए और जब निकल रहे थे तो अच्छा बाबू जी बाद में मिलेंगे, अब मैं चलता हूँ। हमने उनके पत्नी के मृत्यु की एक बार भी चर्चा नहीं करी, गए थे उसी कार्य के लिए। और जब ये सब हुआ तो उन्होंने हमको गले लगाया, बोले स्वामी जी आप रियल स्वामी हो। हमने कहा फेक स्वामी कैसे होते वो भी बता दो। बोले नहीं, आपने मुझे दुखी नहीं किया। अरे क्यों? बोले जो भी आता था मुझे याद दिलाता था कि मेरी पत्नी मर गई है और बड़ा दुख हो गया है, और ये ऐसा दुखी होंगे कि दुखी हो करके मुझे जब तक ये दुखी नहीं बनाएंगे तब तक कि उनको चैन नहीं पड़ती, और जब मैं भी रोने लग जाता है तब उनको लगता हाँ अब हमने अपना कार्य पूरा किया है, इसको दुखी बना के चले जाओ। और आपने मुझे दुखी नहीं बनाया मेरे पत्नी की मृत्यु को लेकर के। हमने कहा बाबूजी मुझे क्या पता कि आप दुखी है कि सुखी है। अब मत आना इधर, चले जाओ यहाँ से। देखो क्योंकि किसी की पत्नी मरती है तो दुखी होता है, कोई नियम है क्या? तो जो दुखी नहीं है उसको क्यों दुखी बनाया? मे भी वो खुश था। प्रैक्टिकल बात है बाबा ये।
एक बार एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि डार्लिंग हनी, इफ आई डाई, जैसा उसने कहा इफ आई डाई, पति ने कहा ऐसे मत कहो, आई विल गो मैड, डोंट से लाइक दैट। फिर उसने कहा सुनो तो सही, यदि मैं मर गई तुमको कहा ना आई विल गो मैड, सुनो पहली मेरी बात। अच्छा सुनाओ क्या है। नहीं मैं ये कहना चाहती हूँ यदि मैं मर गया तो तुम फिर से शादी करोगे क्या। बोले इतना पागल नहीं होऊंगा मैं, एक पागल में एक शादी बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। एक समय चला गया, फिर दो चार साल हो गए पूरे, फिर उसने पूछा आपको याद है जी आपने ऐसा ऐसा कहा था कि आप पागल हो जाओगे मैं मर गई तो, अभी आपका क्या ख्याल है। तो बोले हाँ मैं पागल तो ज़रूर हो जाऊँगा, तुम मरोगी तो ज़रूर पागल होगा, लेकिन क्या दूसरी शादी कर लोगे। बोले पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। तो पागल आदमी को भी भरोसा है क्या, कर लेंगे। इस दुनिया में ना स्वयं दुखी हो ना किसी के दुख को पोषण करो, उसको दुख से निवृत्त करना है। यदि भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात मानी होती तो क्या होता, यही होता ना कि भगवान ने अर्जुन के गलत विचारों का समर्थन किया है। देखो महाराज, इसीलिए हमको कौन लोग अच्छे लगते हैं, हमको तो वो अच्छे लगते हैं कि जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, जो बाबा जी हमारे कहने के अनुसार चलते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, और जो बाबा जी डांट लगाते हैं वो बड़े कड़वे हैं जी। हमको तो कन्हैया के जैसा चाहिए कि नाचो तो नाच दिए। इसीलिए अर्जुन की यह जो दुराग्रह की स्थिति थी, यही हमारे सबका सबसे बड़ा ग्रह हमारे पीछे लगा हुआ है। आप लोग ग्रह के मारे हो ना, इसीलिए दुनिया भर के अंगूठियां पहन के रखती है ना, शनि लगा, मंगल लगा, बुध लगा, गुरु लगा, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह है दुराग्रह, उसको हटा दो। यदि दुराग्रह को हटाओ तो देखो जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगी। क्लैव्यम मास्म गमाम, इसमें उत्साह की आवश्यकता है, लेकिन जब उत्साह नहीं होगा तो हम अपने गलत विचारों का समर्थन करेंगे कि मैं जो पूजनीय है उनको किस प्रकार से मारूं, क्योंकि यदि मैं उनको मारूंगा तो जो मुझे प्राप्त होगा राज्य वो कैसा होगा, अपनों के ही खून से सिता हुआ होगा। तो ऐसे से अच्छा ये है कि हम तो भीख मांग ले वो बढ़िया है, और फिर अपनी बात जारी रखता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जीते कि उनको जीतने दे। अब देखो व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है, क्या कौरव वहाँ खड़े हैं क्या कि आकर कभी हमको मार डालो और जीत लो, वो भी तो युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन इसने अपने मन से पकड़ लिया है कि हम उनको मारे कि वो हमको मारे, ये तो युद्ध डिसाइड करेगा। देखो इसीलिए जब भगवान उसके तरफ देख करके हंस रहे थे कि ये बेवकूफ बोले जा रहा, तब अर्जुन को अपनी गलती समझ में आई, और क्या समझ में आई, वो स्वयं कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। हे भगवान, मैं अपने धर्म के बारे में सम्मोहन में प्राप्त हो गया हूँ, मेरा क्या धर्म है। देखो धर्म हमेशा कर्म स्वरूप होता है, ध्यान से सुनो। किस पति को ये मालूम नहीं है कि पति का क्या धर्म है, किस पत्नी को ये मालूम नहीं है कि पत्नी का क्या धर्म है, किस पिता को ये मालूम नहीं है कि पिता का क्या धर्म है, और किस पुत्र को ये मालूम नहीं है कि पुत्र का क्या धर्म है। जहाँ तक के धर्म के जानने की बात है हम सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं कि जो नहीं जानता, लेकिन पिता के जगह में पीता हो गया तो मोह का पर्दा चढ़ गया।
पर जब मोह का पर्दा चढ़ गया तो जो पिता था उसकी मात्रा दीर्घ हो गई, और पिता का जब पीता हो जाता है तो उसके बाद वो अपने धर्म का उल्लंघन करके वो कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए था। देखो संतों, इसीलिए धर्म सम्मूढ़ चेता का तात्पर्य है, जब जब हम मोह में होते हैं, और मोह किस बात का, एक ही बात का, हम इस समय क्या है, एक ही बात का मोह हमको होता है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ आप बैठे किस, आपकी पोजीशन क्या है, आप श्रोता है, लेकिन तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होते श्रोता जो सुनते हैं, दूसरे होते सोता, र चला गया सोता, तीसरे होते हैं सरोता, काटते रहते, इन्होंने ये कहा उस समय, ये कहा गौ 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 अंदर में चल रहा है। श्रोता बन करके रहो तो पूरा ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन हम यहाँ श्रोता बन करके बैठते हैं, वहाँ कोई आया कोई गया तो उधर देखने लगे कौन आया कौन गया, कितनी इम्पोर्टेंट बात है लोग, ये इसलिए कि अपने मन को हमने कभी ट्रेनिंग दिया ही नहीं। इसीलिए कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता। अर्जुन ने कम से कम एक बात अच्छी करी कि मैं मोह में हूँ, ये उसने अपने आप को समझ लिया। अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ, कारण क्या, कार्पण्य दोष। कार्पण्य दोष का अर्थ क्या है, ध्यान से सुनना, कृपणता का दोष। कृपणता माने अनवांटेड कंपैशन, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, बट यू कैनॉट ट्रस्ट एवरीबडी, यू हैव टू एड विजडम व्हेन यू आर डीलिंग इन लाइफ। उस समय अपने ये कंपैशन के प्रभाव में आकर के हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। एक बार की बात है, हम कहीं थे और हम जब निकलते कमरे से तो वहाँ हमने ताला लगा करके निकले, तो हमारे अगल बगल में हमारा विजिलेंस ऑफिसर्स होते ही है कि हम बैठते कैसे, हम चलते कैसे, हम खाते कैसे, कोई ना कोई कॉन्स्टेंटली देख रहा है। अच्छा स्वामी जी ने ताला लगाया अपने कमरे को, स्वामी जी आप तो कहते हैं ना कि भगवान सब जगह में है, फिर ताला क्यों लगाया, क्योंकि ताले में भगवान नहीं है। देखो, हमने कहा देखो महात्मा जी, हमारा किसी अन्य पर अविश्वास नहीं है, हमारा विश्वास अपने पर ही नहीं है। कई बार हम एक वस्तु वहाँ रख देते हैं, भूल जाते हैं, और फिर दूसरे को बदनाम करते हैं, नहीं नहीं मैंने यहाँ रखा था, तुमने उठाया होगा, रखा तो मैंने ही की गलत जगह में। इससे तो बढ़िया बात यह है हमेशा सजग रहना, ये किसी पर अविश्वास दिखाना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने 100, 250, 1000 रुपये टेबल पर रख दो और ये एक्सपेक्ट करो कि कोई गरीब व्यक्ति, कोई नौकर चाकर उसके उठावे ना, आपको ये नहीं समझ में आता है कि किसी को लालच क्यों दिखावे। देखो ये समझदारी की बात है, और इसको हम समझते नहीं और खामोखाम चक्कर में फंस जाते हैं। इसीलिए कार्पण्य दोष, जीवन में सबके प्रति सहानुभूति, प्रेम इत्यादि होना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि वह हमारे जीवन में दोष के रूप में प्रकट ना होवे। दोष कैसा प्रकट होता है, यदि किसी ने गलती करी है तो उसको सुधारना है, उसको माफ़ नहीं करना है। अपने हिस्ट्री में आप पढ़ो तो हर जगह में यही समस्या आती है, हर जगह में माफ़ कर दो, कुछ माफ़ नहीं, शत्रु को नष्ट ही करना चाहिए, नेवर फर्गिव एन एनिमी। यदि आपने किसी को फर्गिव कर दिया तो डू यू थिंक ही विल फर्गिव यू, हाँ हाँ ही विल टेक द रिवेंज। और ये बात जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक के अपने आप को अच्छा सिद्ध करने के लिए गलत सिद्धांतों का प्रतिपादन करेंगे। देखो महाराज, शत्रु के साथ शत्रु का ही व्यवहार करना है, मित्र के साथ मित्र का ही व्यवहार करना है, शत्रु के साथ मित्र का व्यवहार करना, इससे बढ़ करके बेवकूफ़ी कोई नहीं होती। इसीलिए कार्पण्य दोष,
अर्जुन ने समझ लिया कि मेरे अंतकरण में यह जो कृपणता का गलत समय पर जो प्रेम और कंपैशन का उद्रेक हुआ है उसके कारण मैं अपना धर्म भूल गया हूँ, और इसीलिए यस्रे पृच्छामि त्वाम, हे भगवान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, यस्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, मेरे लिए जो योग्य है वो आप बताइए, मुझे क्या अच्छा लगता है ये महत्व की बात नहीं, मेरे लिए योग्य क्या है वो बताइए। हम भगवान के सामने जाते हैं और भगवान को बताते, भगवान नोट कर लेना, अमुक अमुक बातें कर लेना, माने हमारे लिए क्या अच्छा है इसका निर्णय हम लेते हैं, ये निर्णय प्रभु पर छोड़े, तब जाके हमको योग्य प्रकार का गाइडेंस मिलेगा। जब हम ये सब कुछ जानते हैं तो उनको पूछने की क्या जरूरत है। इसीलिए यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, और आखिरी में कहते हैं शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। शिष्य किसको कहते हैं? शाधिमाम, मुझ पर अनुशासन करो, अनुशासन पर, अनुशासन जिस पर किया जाता है उसको ऑप्शन नहीं दिया जाता। एक बार एक मिलिट्री के सूबेदार मेजर रंगरूटों को ट्रेनिंग दे रहे थे, नए नए मोड़, बाएं मोड़, आगे मोड़, पीछे मोड़, और नए नए लड़के ज्वाइन हो गए, और ये सूबेदार मेजर साहब बिल्कुल खटाखट हो करके, चलो आज का पहला दिन है ट्रेनिंग का, जब मैं कहूँगा दैने मोड़ तो दैने मोड़ना, ऐसे वैसे सब बता दिया, समझ में आ गया, हाँ जी, शुरू कर दिया, दैने मोड़, फिर बाएं मोड़, फिर आगे मोड़, पीछे मोड़, और एक था वो घूम ही नहीं रहा था, खड़ा था, तो उन्होंने डांटा, तुम क्यों नहीं घूम रहे हो, सब घूम रहे हैं। बोले पहले आप डिसाइड कर लो किस साइड में अल्टीमेटली मूव करना है, ये क्या दो दो मिनट में आप कंफ्यूज हो, कभी कहते हो दैने मूड, कभी कहते हो बाया मूड। तो शिष्य वो है जो अनुशासन का पालन करता है, आर्ग्यूमेंट नहीं करता। इसलिए दो सिद्धांत याद रखना, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो डिस्कशन, यू विल बी एट पीस विथ योर सेल्फ। किसी के भी साथ किसी भी विषय को लेकर के आर्ग्यूमेंट कभी मत करना, एकदम शांति हो जाएगी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के द्वारा दो बातें हो सकती है, एक तो आप आर्ग्यूमेंट हार जाओगे, हार गए तो हार गए, यदि आप आर्ग्यूमेंट जीत गए तो आप एक दोस्त को खो बैठोगे, तो दोस्ती को खोना ये अच्छा है कि आर्ग्यूमेंट में हारना ये अच्छा है। इसलिए भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना है और किस प्रकार से करना है, इसमें आर्ग्यूमेंट करने की कोई बात नहीं है, और इस आर्ग्यूमेंट से निकलना है तो पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और ऐसा जब अर्जुन ने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, उसके पश्चात अर्जुन को भगवान ने क्या क्या बताया और कैसे बताया, ये दो महत्व के विषय हैं। हमारे सबके जीवन में समस्या आती है, उस समस्या को हम कैसे सुलझाते हैं, कई बार समस्या को सुलझाने के स्थान पर हम उलझाते हैं, सुलझाते नहीं, तो कैसे हम समस्या को सुलझाने के स्थान पर उलझाते हैं और कहाँ हमारी गलती होती है और उसमें से हम कैसे निकल जावे, यह विषय कल के एपिसोड में होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।